पिता धर्म, पिता कर्म, पिता में परमं तपः। पिता ही धर्म है, पिता ही कर्म है, और पिता ही धर्म है, कर्म है, और तप भी पिता ही है। इसलिए पिता के निमित्त जो श्रद्धा हम अर्पित करते हैं, एक वर्ष में आश्विन मास में कन्या राशि पर जब सूर्य आता है तो 15 दिन का समय जो हो पितरों के यज्ञ के निमित्त दिया जाता है। इस यज्ञ में जैसे देव यज्ञ है, ऋषि यज्ञ है, उसी प्रकार यह पितृ यज्ञ है। इस पितृ यज्ञ में 15 दिन तक लोग तर्पण करते हैं, अपने पितरों के नाम से पिंडदान करते हैं और ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं। लेकिन इसके अतिरिक्त श्रीमद् भगवद गीता में भी पितरों की मुक्ति के लिए एक विशेष रहस्य छिपा हुआ है, जो कि 7वें अध्याय में दिया गया है, जिसमें मात्र 30 श्लोक हैं, जो ज्ञान विज्ञान योग नामक अध्याय से वर्णित है। उस अध्याय में भगवान ने पितरों से मुक्ति के लिए बहुत अच्छे अच्छे मार्ग बतलाए हैं। जैसे उन्होंने कहा, इच्छा द्वेष समुक्ते न द्वंद्वमेह न भारत। इच्छा और द्वेष, यही जो है मोह का मूल कारण है, तो इससे मुक्ति का सबसे बड़ा साधन 7वें अध्याय में। दूसरी बात कहते हैं कि वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। ऐसी स्थिति, जब ऐसी स्थिति में व्यक्ति जब आ जाता है कि सब कुछ वासुदेव ही हैं, ऐसा मान करके पूजना, ये सबसे बड़ी चीज है। तो एक रहस्यात्मक चीज हमारे गीता के 7वें अध्याय में, गीता के 7वें अध्याय के महात्म का वर्णन करते हुए पद्म पुराण में बतलाया गया है कि पाटलिपुत्र नामक स्थान पर एक शंखुकर्ण नामक एक ब्राह्मण देवता रहते थे। वह वैश्य वृत्ति से अपना जीविकोपार्जन करते थे। वह विवाह के लिए जा रहे थे तो रास्ते में सर्प ने उनको काट लिया। रास्ते में सर्प के काटने से उनकी मृत्यु हो गई और वह प्रेत योनि सर्प योनि में चले गए। और उन्होंने बहुत से धन इकट्ठा व्यापार के द्वारा किए थे और उन्होंने घर के पास गाड़ा रखा था। और उन्होंने एक बार सर्प योनि में सोचा कि मैं सर्प योनि में रहकर इसकी रक्षा करूंगा, इसको किसी को लेने नहीं दूंगा। संयोग बस सर्प योनि में पीड़ित होते हुए शंखुकर्ण नामक ब्राह्मण ने, वैश्य ब्राह्मण ने, उन्होंने जो है अपने पुत्रों को स्वप्न दिया। उसमें से एक पुत्र कुदाल लेकर के गया उस बिल के पास खोदने के लिए जहाँ धन था, लेकिन तुरंत जो है शंखुकर्ण सर्प के रूप में निकल कर आए और आकर के उन्होंने कहा कि ऐसा मत करो, हम तुम्हें धन दे देंगे, पहले तुम मुझे सर्प योनि से मुक्त कराओ, मैं तुम्हारा पिता। तो उन्होंने कहा कि आप कैसे मुक्त होंगे? तो उन्होंने बताया कि इस मुक्ति का उपाय सिर्फ एक ही है कि जिस दिन श्राद्ध हो उस दिन ब्राह्मणों को भोजन करा करके ब्राह्मणों के मुखारविंद से 7वें अध्याय का पाठ करना चाहिए या कराना चाहिए। इसको कराने से जो है पितृत्व से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। इसलिए इस पितरपक्ष में यदि व्यक्ति ऐसा करता है एक रहस्यमय चीज को, क्योंकि गीता जो है, गीता सुगीता है, ये सुगीता को करने वाली है।